इन अधिकारी कर्मचारियों के दफ्तरों में तुम लोग घंटे खड़े रहते हो, वो तुम्हारे दरवाजों में घंटे खड़े रहने की, सर बताइए क्या काम है? तुमने मुझे तलवार भेज दी, मैं बाबू जी का धन्यवाद करता हूँ। आप बताओ इस तलवार से मैं कौन सी लड़ाई जीत सकता हूँ? बताओ, राजतंत्र में युद्ध होते थे, राजा महाराजा दोनों तरफ से लड़ते थे, सेना जाती थी, हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, बंदूकें तलवारें चलती थी, तोप चलती थी और तलवार के दम पर राज लिया जाता था। आज के राजतंत्र लोकतंत्र है, इस तलवार से ज्यादा तुम मेरे पास मेरे कहे से अंगूठा दबा देना, फिर देखना तुम्हारी तरफ उठने वाली हर एक आंख को उसी दिन जवाब मिल जाएगा कि आज के बाद ये कृषि समाज अन्याय प्रचार नहीं सहे। देखो मैं तुमसे कलम की ताकत मांग रहा हूं, तलवार की ताकत नहीं मांग रहा हूं। एक तरफ ये है, एक तरफ ये, आप तय करो कि मुझे कौन सी ताकत देना चाहते हो। अगर तुमने ये ताकत मुझे दी और इतनी ताकत देने की ये कलम मेरे हाथ से चल जाए तो मैं लिख के देता हूं विरोधियों के 20-20 एमएलए और हमारा एक एमएलए अगर भारी नहीं पड़ा तब आप मुझे बताना। उनके पास सब कुछ है, अब आप ये तय करो कि आप अपना भविष्य कैसा चाहते हो। मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, माओ बहनों से, क्या इस देश में अपने बच्चों का भविष्य गुलामी का चाहते हो या फिर स्वाभिमान सम्मान का चाहते हो? मुझे हाथ उठा के बताओ मेरे लोगों, कैसा भविष्य चाहते हो? जोर से बताओ कैसा भविष्य चाहते हो? क्या गुलामी का भविष्य चाहोगे? कौन हाथ उठा के बताओ, क्या अपने बच्चों को गुलामी की तरफ धकेलोगे या फिर अपने बच्चों को आजादी की तरफ लेके जाओगे कि उनको वो बुनियादी सुख सुविधा अधिकार मिले? बताओ क्या चाहते हो, अपने दोनों हाथ उठा के बताओ। स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो नहीं चाहते हो बताओ? वो जो मोटरसाइकिलों पे वहां खड़े हैं उनको पूछ रहा हूं, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो नहीं चाहते हो बताओ? आपका चुनाव निशान क्या है बताओ, जोर से बताओ। आवाज नहीं आई, ये केतली आपको अलादीन के चिराग जैसे नहीं लगती है? टीवी देखा नहीं देखा बचपन में? अगर टीवी देखा तो एक ऐसा चिराग आता था और उसको घिसो तो उसमें से निकलता था कुछ और वो कहता था, क्या कहता था, क्या हुक्म मेरे आका? मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं, इस केतली को भर दो और फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या हुक्म मेरे आका, फिर बताना तुम्हारा हुक्म पूरा होता नहीं होता। तुम मरो या जीवित से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ये सोचते हो ये बेचारे रक्षा करेंगे, तुम्हें करनी है रक्षा। अगर तुम चाहते हो चंद्रशेखर आजाद जिए तो अपने आप बनो सिपाही, अपने आप लो ये बात और हाथ में संभालो। मैं उनकी गलती नहीं निकालता क्योंकि वो तो बेचारे सरकार के साथ चलेंगे, मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मेरे साथियों तुम भी हमारे बीच के हो, रुक जाओ। इधर जब हमारे विधायक जीत के आएंगे और हमारे जरिए सरकार बनेगी उस दिन मैं तुमसे बात करूंगा, याद रखो, चिंता मत करो। समय बदलेगा, ऐसा थोड़ा है कि लोकतंत्र में हमेशा कमजोर रहेंगे हम लोग, कमजोर रहोगे? ये लोकतंत्र है, कमजोर नहीं रहेंगे। जिस दिन ये ताकत, ये कमजोर अपनी ताकत समझ गए और इकट्ठे हो गए, जैसे एकता आज यहां दिख रही है, अगर इन्होंने गांव में बना लिया और ये किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के पैसों के लालच में नहीं पड़े और इन्होंने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी, तो मैं इसी बार दिखाऊंगा कि जो अधिकारी कर्मचारी आपको आंख दिखाते हैं वो आपके घरों पे आकर सलूट मारेंगे तुम लोगों को, मेरी बात को याद रखना। इन अधिकारी कर्मचारियों के दफ्तरों में तुम लोग घंटे खड़े रहते हो, वो तुम्हारे दरवाजों में घंटे खड़े रहने की, सर बताइए क्या काम? अभी क्या लोकतंत्र की शक्ति नहीं समझते हम? हम समझते हैं, हम सब समझते हैं, मगर हम ये भी समझते हैं इस अपमान को सह के हम लोग घबराते नहीं, इस अपमान को सह के हम लोग ताकत बनाते हैं।